पिकलिंग ट्रीटमेंट इज़ क्लीनिंग द कास्टिंग विद, पिकलिंग ट्रीटमेंट में हम कास्टिंग को क्लीन करते हैं विद डिल्यूट एसिड्स। डिल्यूट एसिड्स जैसे हाइड्रोफ्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे एसिड से हम डिल्यूट एसिड से इसको क्लीन करते हैं। सो पिकलिंग ट्रीटमेंट इज क्लीनिंग द कास्टिंग विद डिल्यूट एसिड्स। सो बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने बताना था कि स्मॉल डिफ्लेक्शंस ऑफ इलास्टिक बीम के लिए ये इनमें से कौन सी गवर्निंग इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर एम अपॉन ई आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई आई, इसका पहले एक और डेरिवेटिव ले लेंगे, ई आई को इधर ले जाएंगे, ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो डी एम अपॉन डी एक्स बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू लोड। इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर आना था यहाँ पे, तो डी वी एक्स अपॉन डी एक्स क्यू एक्स आ जाएगा, ये है अपना लोड पर यूनिट लेंथ। सो इसमें ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो डी इज करेक्ट आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 3 मीटर लॉन्ग वायर पावर इज इक्वल टू 7.5 किलोवाट, हमने डायमीटर फाइंड आउट करना था, एन दिया हुआ था, टाउ दिया हुआ है, शेयर स्ट्रेस एंड पाई स्क्वायर की वैल्यू यूज करनी, टेन दी हुई है। हम पावर का पहले फार्मूला लगाएंगे, टी इंटू 2 पाई एन बाई 60, वहां से टी को अलग कर लेंगे, पी इंटू 60 बाई 2 पाई एन, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टोर्क की पाई बाय 16, टाओ डी क्यूब, बाकी सारी टर्म को उधर ले जाएंगे, डी क्यूब इज इक्वल टू, आगे सोल्व करते वक्त एंड पे हमने ये ध्यान देना है कि इसकी डिमेंशन है मीटर क्यूब में आएगी, जब हम 7.5 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई करके किलो वाट को वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। बाद में हमने 10^9 लगाया है एमएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मीटर क्यूब को, तो एम मीटर क्यूब एमएम क्यूब के में कन्वर्ट करने के लिए 10^9 यूज़ किया, नीचे 10^6 आया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से, इसको हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बना लिया था 10^6 से मल्टीप्लाई करके, तो एंड में डी इज इक्वल टू 10 mm आंसर आ जाएगा, सो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट था, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ वर्किंग नोन एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये सिस्टम ऑफ वर्किंग बनाया था, सो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्क रेशियो ऑफ गैस टर्बाइन इज ए फंक्शन ऑफ, वर्क रेशियो होती है शाफ्ट वर्क डिवाइडेड बाय टर्बाइन वर्क, शाफ्ट वर्क कितना आया और टर्बाइन ने कितना प्रोड्यूस किया था। टर्बाइन का कुछ वर्क हमको पता है कंप्रेसर को चलाने में यूज होता है, सो शाफ्ट वर्क डिवाइडेड बाय टर्बाइन वर्क आता है 1 - T1 मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टेम्परेचर इंटू प्रेशर रेशियो γ-1/γ, इसकी पावर होती है। सो वर्क रेशियो दोनों पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर रेशियो पे भी और प्रेशर रेशियो पे भी, सो ए इज करेक्ट आंसर आएगा इसका, ए इज करेक्ट आंसर आएगा, ए इज करेक्ट आंसर आएगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, लोड विज डिस्प्लेसमेंट कर्व शोन इन दी फॉलोइंग फिगर परस्टेंस टू, एकदम से लोड बढ़ा, लोड सेंटर पे जाके फिर एकदम से गिर गया, ये ऐसा कंडीशन सिर्फ ब्लैंकिंग में होता है, ब्लैंकिंग में हमने पीस को अलग करना होता है, तो ये डायग्राम ब्लैंकिंग के लिए होगी, सो दिस इज फॉर ब्लैंकिंग ऑपरेशन, सी इज करेक्ट आंसर। इन प्रोसेस चार्ट सिंबल्स के मैं सारे सिंबल्स के मीनिंग बता देता हूँ, इसमें सर्कल का मीनिंग होता है ऑपरेशन, स्केयर का मीनिंग होता है इंस्पेक्शन, एरो का मीनिंग ट्रांसपोर्ट, ये इन्वर्टर ट्रायंगल का मीनिंग होता है स्टोरेज, सो बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बोरोनाइजिंग प्रोसेस, बोरोनाइजिंग में हम उसकी सरफेस को काफ़ी हार्ड करते हैं, स्टील की सरफेस को, तो ये सिर्फ हाई कार्बन स्टील्स के नहीं लिए नहीं होती, ये कई अलॉयज पे भी अप्लाई होती है, प्लेन कार्बन स्टील्स पे भी अप्लाई होती है, ये यहाँ पर लिमिटेड नहीं रहती हाई कार्बन स्टील्स पे ही, तो ये एक सीमेंटेशन प्रोसेस है, इट इज़ पैक सीमेंटेशन प्रोसेस, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन एक्सट्रीमली हाई वियर रेजिस्टेंट सरफेसिस ऑन स्टील्स, इट लीड्स टू हाई डिस्टोर्शन, ये सिर्फ इसमें बी ही एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऐसी और भी आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट में मैं आपके साथ रिवाइज्ड आंसर की जरूर शेयर करूंगा, जो हमने अभी तक कुछ मिस्टेक्स की होंगी वो लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनमें अगर डाउट है आपके कमेंट मैं जरूर लाइक करूंगा, आप कमेंट कीजिए।